नमस्कार, आवाज़ एक अंदाज़न एक पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा मोहम्मद अजीज़ आवाज़ एक अंदाज़न एक पार्ट वन और पार्ट टू, आप लिख दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जी 15 ऐसे चुनिंदा एक्टर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जिनको हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने दिया था अपनी आवाज़। तो चलिए आवाज़ एक अंदाज़ अनेक पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। आवाज़ एक अंदाज़ अनेक। तो हमारे पहले नंबर पे हैं मुकेश खन्ना जी। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने मुकेश खन्ना जी के लिए बहुत सारे फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए थे, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1994 की फिल्म रखवाले। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था, हम बेटे हिंदुस्तान के। ये गीत हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने सोनी कोमी जी के म्यूज़िक में गाया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। बेटे हिंदुस्तान के, हम बेटे हिंदुस्तान के, हम पाले हैं तूफान के। हमारे दूसरे नंबर पे हैं राहुल राज जी। जी हाँ, हमारे मोहम्मद अजीज़ साहब ने राहुल राज जी को कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1994 की फिल्म मझधार। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज़ साहब और उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने गाई थी। और ये गीत मोहम्मद अजीज़ साहब ने, जी हाँ, राहुल राय जी के लिए गाया था और उदित नारायण जी ने सलमान खान जी के लिए ये गीत गाया था। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके प्यार में पागल हूँ। तो हमारे तीसरे नंबर पे हैं सुमित साइगल जी। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने सुमित साइगल जी के लिए भी अपनी आवाज़ दिया था। जी हाँ, एक फिल्म में नहीं, कई ऐसे फिल्म थे जिनमें मोहम्मद अजीज़ साहब ने सुमित साइगल जी को अपनी आवाज़ दिया था। जी हाँ, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1990 की फिल्म पति पत्नी और तबायफ। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज़ साहब और सलमा आगा जी ने, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूज़िक में गाया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी कोई कहां। नंबर पे हैं अमजद खान जी। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने अमजद खान जी के लिए कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए थे, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1985 की फिल्म माँ कसम। जी हाँ, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद अजीज़ साहब और अमित कुमार जी ने गाया था, और मोहम्मद अजीज़ साहब ने अमजद खान जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था और अमित कुमार जी ने मिथुन दा के लिए अपनी आवाज़ दिया था। जी हाँ, और यह गीत बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। और वैसे देखा जाए तो और कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें, जी, अमजद खान जी के लिए मोहम्मद अजीज़ साहब ने अपनी आवाज़ दिया था, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं 1985 की फिल्म माँ कसम का। बिंगो, 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 मैं हूं बिंगो। तो हमारे पाँचवें नंबर पे हैं चिरंजीवी। जी हाँ, मोहम्मद अजीज़ साहब ने चिरंजीवी जी को कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर मूवी की। तो आइए गीत सुनते हैं। तो हमारे छठवें नंबर पे हैं वेंकटेश जी। जी हाँ, साउथ इंडियन के सुपरस्टार कहे जाने वाले वेंकटेश जी को भी हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने बहुत ही खूबसूरत गीत, जी हाँ, दिया था, जिसे लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1999 की फिल्म सागर कन्या। इस फिल्म में दो गीत मोहम्मद अजीज़ साहब ने वेंकटेश जी के लिए गाया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। जी हाँ, सपना पूरा हो गया मेरा और हाँ बाबा हाँ बाबा। जी हाँ, ये दोनों गीत मोहम्मद अजीज़ साहब ने वेंकटेश जी के लिए गाया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। ना पूरा हो गया मेरा सावन भालों का प्यारा मौसम। तो हमारे सातवें नंबर पे हैं शेखर सुमन जी। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब ने शेखर सुमन जी के लिए भी अपनी आवाज़ दिया था। एक फिल्म में नहीं, कई ऐसे फिल्में थे जिनमें मोहम्मद अजीज़ साहब ने शेखर सुमन जी के लिए अपनी आवाज़ दिया था, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1992 की फिल्म शूद्र। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था, ताजमहल को गवाह बनाकर, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज़ साहब ने शेखर सुमन जी के लिए गाया था, और इस फिल्म का म्यूज़िक बप्पी लहरी जी ने दिया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शूद्र फिल्म रिलीज़ था,
फिर भी ये गीत जो था वो बहुत ही ज़्यादा हिट है, लेकिन ये गीत जो है वो जिया फूल सुनने को नहीं मिलता है। ताजमहल को गवाह बनाकर कसम ये खाएंगे, जीते जी क्या मर के भी हम प्यार। तो हमारे आठवें नंबर पे हैं सुनील शेट्टी जी। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईज साहब ने सुनील शेट्टी जैसे एक्टर को भी अपनी आवाज़ दिया था 1994 की फिल्म वक्त हमारा है। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था मैंने पी या तूने पी, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब और अलका याग्निक जी ने गाई थी नदीम सरवन जी के म्यूज़िक में। जी हाँ, ये गीत मोहम्मद अईज साहब ने सुनील शेट्टी जी के लिए भी गाया था और अक्षय कुमार जी के लिए भी गाया था। जी हाँ, दोनों के लिए ये गीत गाया था और इस गीत का लिरिक्स समीर साहब ने दिया था। मैंने पी या तूने पी, हर बात एक हुई। तो हमारे नवे नंबर पे हैं आदित्य पंचोली जी। जी हाँ, हमारे मोहम्मद अईज साहब ने आदित्य पंचोली जी के लिए बहुत सारे फिल्मों में अपनी आवाज़ दी हैं और एक से एक हिट गीत दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1988 की फिल्म कातिल। इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं अपनी अदा है मेरी अपना अंदाज, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब ने आदित्य पंचोली जी के लिए, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूज़िक में गाया था और यह गीत बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और इस गीत का लिरिक्स समीर साहब ने दिया था। अपनी अदा है मेरी अपना अंदाज, कहते हैं लोग मुझे आशिक। तो हमारे दसवें नंबर पे हैं राज किरण जी। जी हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईज साहब ने राज किरण जी के लिए भी अपनी आवाज़ दिया था। जी 1987 की फिल्म खूनी महल, इस फिल्म में एक गीत था मैंने दिल तुझको दिया तूने दिल मुझको दिया, जिसे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब और अनुराधा पंडवाल जी ने गाई थी और इस फिल्म का म्यूज़िक नदीम सरवन जी ने दिया था। जी हाँ, और इस फिल्म के अलावा और कई ऐसी फिल्में थे जिनमें मोहम्मद अईज साहब ने राज किरण जी के लिए अपनी आवाज़ दिए थे। मैंने दिल तुझको दिया तूने दिल मुझको दिया, लेने देने में लेने देने में दिन से रात हो गए। तो हमारे 11वें नंबर पे हैं हरीश कुमार जी। जी हाँ, मोहम्मद अईज साहब ने हरीश कुमार जी के लिए कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1993 की फिल्म तिरंगा। जी हाँ, इस फिल्म में मोहम्मद अईज साहब ने हरीश कुमार जी के लिए 3 सॉन्ग गाए थे जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे और इस फिल्म का म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और इन तीनों गीतों का लिरिक्स संतोष आनंद जी ने दिया था। तो आइए हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत गीत तिरंगा फिल्म का, जी हाँ, सुनते हैं। तो हमारे 12वें नंबर पे हैं हेमंत बिरजे जी। जी हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईज साहब ने हेमंत जी के लिए भी अपनी आवाज़ दिए हैं, एक नहीं कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 1988 की फिल्म वीराना। जी हाँ, ये फिल्म आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। इस फिल्म में गीत था दिल की धड़कन क्या बोले, जिससे बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब ने हेमंत जी के लिए गाया था और इस फिल्म का म्यूज़िक बप्पी लहरी जी ने दिया था। दिल बोले लग जा गले। तो हमारे 13 नंबर पे हैं जॉनी लीवर जी। जी हाँ, कॉमेडी एक्टर जॉनी लीवर के लिए भी हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईज साहब ने अपनी आवाज़ दिया था और झूम के डांस, जी हाँ, जॉनी लीवर जी ने मोहम्मद अईज साहब के इस गीत में किया था। जी हम लोग बात कर रहे हैं 1992 की फिल्म मैं हूँ शेरनी। इस फिल्म में गीत था तू अकेली है लंबा सफ़र, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब ने आनंद लक्ष्मण जी के म्यूज़िक में, जी हाँ, जॉनी लीवर साहब के लिए गाया था, जिसमें जॉनी लीवर साहब ने, जी हाँ, झूम के डांस किया था। तू अकेली है लंबा सफर। तो हमारे 14 नंबर पे हैं अन्नू कपूर जी। जी हाँ, मोहम्मद अईज साहब ने अन्नू कपूर साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दिया था और वो भी टीवी सीरियल में। जी हाँ, डीडी नेशनल पे 1999 में एक टीवी सीरियल प्रदर्शित हुआ था, टीवी सीरियल का नाम है पतराई आंखों के सपने। इस टीवी सीरियल में अन्नू कपूर जी के लिए कई गीत गाए थे जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे। याद कर बंदे, बुरे बातों से डर बंदे, जाने की मोहब्बत। तो हमारे 15 नंबर पे हैं ओमपुरी साहब। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अईज साहब ने ओमपुरी साहब के लिए भी अपनी आवाज़ दिए थे। जी हाँ, 1993 की फिल्म आकांक्षा,
इस फिल्म में एक गीत था, सच्ची आज़ादी समझेगा जिस दिन हिंदुस्तान, उस दिन सबको मिल जाएगा जी हाँ रोटी कपड़ा और मकान। ये देशभक्ति गीत हमारे हर दिलाजीज मोहम्मद अयूब साहब ने ओमपुरी साहब के लिए गाया था और ये गीत जी हाँ बहुत ही अच्छा है, आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सच्ची आज़ादी समझेगा उस दिन हिंदुस्तान। तो ये 15 एक्टर है आवाज़ एक अंदाज अनेक पार्ट 3 का, जिन्हें हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अयूब साहब ने अपनी आवाज़ दिए थे। जी हाँ, इन एक्टरों के अलावा और ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनको हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अयूब साहब ने अपनी आवाज़ दिए हैं, जिसे आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए आवाज़ एक अंदाज अनेक पार्ट 4 लेकर आऊँगा, जिनमें मैं फिर 15 एक्टरों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा और उन एक्टरों को हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अयूब साहब ने अपनी आवाज़ दिए होंगे। जी हाँ, बहुत सारे एक्टर हैं, हर तरह के एक्टर हैं, मोहम्मद अयूब साहब ने अपने ज़माने के हर तरह के एक्टर को अपनी आवाज़ दिए हैं, जिसे लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो मैं ऐसे ही अलग अलग पार्ट बनाकर जी हाँ आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।